दोस्तों मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये रिंग रोड है जो राजा तालाब से हरहुआ तक जोड़ने का काम करता है। ये रिंग रोड फेज टू का है। हम ये रिंग रोड इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको लोकेशन के रूप में पता रहे कि इसी के जस्ट बगल में वाराणसी का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य की जो प्रगति है कुछ इस प्रकार है, आपको देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपने भारत में क्रिकेट जितना लोकप्रिय खेल है उतना कोई अन्य खेल अभी के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। अभी हमारे भारतीय टीम के द्वारा T20 का विश्व कप जीत करके भारत को एक नया रूप दिया हुआ है। उसी के क्रम में आज हम वाराणसी के गंजारी में जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य हो रहा है उसके बारे में आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी का पूरा दृश्य। ये देख सकते हैं सामने आपका, ये कुछ झलक यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में एक ही एक ऐसा गेम है जो प्रचलित है, अब बहुत मात्रा में खेला जाने वाला गेम है, खेल है, वो है क्रिकेट। उसी के क्रम में वाराणसी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उनके शिलान्यास से क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। ये सामने उसकी दृश्य है, उसका कार्य प्रगति है। ये देख सकते हैं स्टेडियम का जो पवेलियन है ये अभी बन रहा है। सामने आपको देख सकते हैं ये 20 टन का ये जेंड्रिक क्रेन है, LNT का ये क्रेन का है दृश्य। सामने देख सकते हैं ये मिक्सचर मशीन लगी हुई है और ये देख सकते हैं क्रेन वगैरह सब अपने इंस्ट्रूमेंट को उठा करके, मटेरियल को उठा करके अपने अपने स्थानों पर सेट करने का काम कर रहे हैं। और पूरे स्टेडियम में हर जगह श्रमिक लगे हुए हैं काम करने के लिए, रातों दिन काम चल रहा है। और उसी के बीच में आप देख सकते हैं स्टेडियम, यानी कि वो क्रिच यानी पिच बन के तैयार हो चुका है, मिट्टी डाल दी गई है और उसकी लेबलिंग और फिनिशिंग बाकी रह गया है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं। अभी हमारा देश यानी भारतवर्ष T20 इंटरनेशनल यानी कि विश्व कप को जीत करके भारत वापस आया है। रोहित शर्मा जी की कप्तानी में हमारा भारत T20 वर्ल्ड कप जीता है। दोस्तों वाराणसी के गंजारी में बन रहे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का कार्य 30% पूरा हो चुका है, जिसमें आपको बता दें पूरी लागत है 450 करोड़ रुपये। 450 करोड़ रुपये की लागत से गंजारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग 30% पूरा हो चुका है। दोस्तों गंजारी गांव में जो क्रिकेट स्टेडियम बन रहा, जो सामने आपको देखने को मिल रहा है, इसका 30% काम पूरा हो चुका है। 32 एकड़ में लगभग 451 करोड़ रुपए की लागत से यह स्टेडियम का निर्माण कार्य BCCI के निर्देशन से बन रहा है। अभी वर्तमान के DMS राजलिंगम के मुताबिक निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। 2025 तक कार्य करने की समयावधि दी गई है, जिसमें बनकर के तैयार करना है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इस क्रिकेट स्टेडियम में लगभग 30,000 दर्शकों की बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है। दोस्तों आपको बता दें खिलाड़ियों के अभ्यास करने रहने के लिए हॉस्टल सहित कई अन्य सुविधाएं होंगी। स्टेडियम को
डे नाइट मैच के लिए भी तैयार किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर आने वाले समय में आपको रात और दिन दोनों में क्रिकेट मैच देखने का लुत्फ मिल सकता है। यहाँ आपको बताते चलें, 4 ड्रेसिंग रूम, 3 प्रैक्टिस ग्राउंड बनाए जा रहे हैं और बारिश के पानी को निकलने के लिए खास आधुनिक सिस्टम से खास LED लाइटें भी लगाई जा रही है। यानी पानी निकलने की खास सुविधा बनाई जाएगी और LED लाइट लगाई जाएगी ताकि आदमी को रात में देखने में काफ़ी आसानी हो, हम आपको रात में क्रिकेट देखने में काफ़ी आसानी हो। काफ़ी सुविधाओं से सुसज्जित और लैस किया जा रहा है ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गांजारी वाराणसी। दोस्तों आप सामने ये देख रहे होंगे, ये बन रहा है, ये है स्लोप तैयार किया जा रहा है, यानी कि ये सीट अरेंजमेंट किया जा रहा है, सीट यानी बैठने के लिए ये इंतजाम किया जा रहा है पवेलियन का। देख रहे हैं किस तरीके से ढलान बनाया जा रहा है, यानी इस पर जो है आपको कुर्सियां देखने को मिलेंगी, कुर्सियां लगेंगी ताकि आसानी से आप क्रिकेट मैच देख सकें। ये ग्राउंड के चारों तरफ पवेलियन तैयार किया जा रहा है। इसका आकार भगवान शिव के डमरू के आकार का बनाया जा रहा है। ये बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बहुत आसानी से इस स्टेडियम मैच देख सकेंगे। दोस्तों इस क्रिकेट स्टेडियम के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप यदि वाराणसी से देख रहे हैं और वाराणसी के बाहर से देख रहे हैं तो बनते हुए दृश्य आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करिएगा। दोस्तों ये स्टेडियम का कार्य लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT के द्वारा किया जा रहा है और ये स्टेडियम में प्रवेश करने का ये मुख्य द्वार यानी गेट अभी फ़िलहाल बनाया गया है, देखिए, ताकि सामान वगैरह यहीं से आसानी से पहुंच जाए ग्राउंड के अंदर, निर्माण कार्य में कोई बाधा ना हो। इनकी ये बाउंड्री घेर दी गई है क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, तो सुरक्षा के नज़रिए से ये टीन सेट की बाउंड्री बना दी गई है चारों तरफ स्टेडियम के। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो सामने टीन सेट ऑफिस दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर अधिकारी गण आकर के रहते हैं और कॉन्फ्रेंस हॉल इसमें बनाया गया है ताकि इसमें आसानी से बैठ करके स्टेडियम के कार्य प्रगति पर चर्चा कर सकते हैं। अभी हमारा भारत T20 वर्ल्ड कप जीत कर आया है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये कुछ दिग्गज क्रिकेटरों का पोस्टर यहाँ लगाया गया है, पहले सचिन तेंदुलकर साहब, विराट कोहली, रोहित शर्मा जी और रैना, समी, मोहम्मद समी, कुलदीप यादव, सूर्य कुमार यादव और SSV जायसवाल के फोटोग्राफ यहाँ पर लगाए गए हैं। रोहित शर्मा जी के बगल में राहुल द्रविड़ साहब हैं, T20 के कोच रहे हैं भारत के, तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि 2024 में भारत ने हासिल किया है T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत करके। ये रहा कुछ अपडेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गंजारी वाराणसी का। 30% कार्य पूरा हो चुका है, अभी 70% शेष है जो 2025 तक करके देने का समय सीमा बनाई गई है। दोस्तों सामने ये देख सकते हैं ये कितनी बड़ी बाउंड्री बनाई गई है क्रिकेट स्टेडियम को, उसके बाद फिर किसानों का खेत है जहां पर अभी धान की रुपाई हुई है और ये देखिए बाउंड्री इस प्रकार यहां तक है। यहां पर जो है स्टेडियम संबंधी जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं,
उनका ऑफिस ये यहाँ बनाया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं वाराणसी की गंजारी क्रिकेट स्टेडियम का जो 30% कार्य पूर्ण होने का दृश्य है वो इस प्रकार है। नज़दीक से गेट के बगल से हम ये फोटोग्राफ ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस स्टेडियम के बाउंड्री वॉल पर भी ये देखिए इस प्रकार का लोगो बनाया गया है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का। और एक तरफ इधर है आपका, ये देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इस प्रकार की ये बाउंड्री प्रीकास्ट की गई है और यहाँ से आपको निर्माण कार्य का कुछ इस प्रकार सीन देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, ये है कार्य होने का दृश्य। दोस्तों हाईवे के नीचे से क्रिकेट स्टेडियम का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, ये देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने लोगों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।